दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इधर भारतीय टीम ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत, तो दूसरी तरफ भारत को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया है, जो भारत के लिए बड़ी खुशखबरी साबित हुआ है। दूसरी तरफ भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है, जिसने 140 करोड़ देशवासियों का दिल तोड़ दिया है। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत की खुशखबरी के साथ भारत के लिए कौन सी बुरी खबर सामने आई है, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से कौन है भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का हाल ही में रोमांचक मैच खेला, जिसमें 4 विकेट से जीत दर्ज की। इस मैच में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मोहम्मद शमी के 5 विकेट के दम पर विरोधी टीम को 50 ओवर में 273 रन पर ऑल आउट किया। वहीं इसका पीछा करने के लिए विराट कोहली के 95 रन के दम पर लक्ष्य को 48 ओवर के अंदर हासिल कर लिया, जिसके चलते भारत को जीत मिली और भारत अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंच गया। इस दौरान भारत ने 20 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट में कीवी टीम को हराकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित किया, जो भारत के लिए बड़ी खुशखबरी साबित हुआ है। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है, जिसने 140 करोड़ भारतवासियों का दिल तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम लगातार जीत पर जीत दर्ज कर रही है, जहां पर 5 मैच भारत ने खेले और 5 मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। लेकिन इस बीच भारतीय टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और भारत को बेहतर संतुलन प्रदान करने वाले खिलाड़ी और भारतीय टीम के ऊपर कप्तान हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप के मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत मिली थी। लेकिन इस मैच में गेंदबाजी करते समय हार्दिक पांड्या के टखने में चोट लगी थी, जिसके चलते वह तुरंत अस्पताल गए और मैच से बाहर हो गए। इस कारण से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने में असमर्थ रहे। ऐसे में अब बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि हार्दिक पांड्या की रिकवरी अभी पूरी नहीं हो पाई है और माना जा रहा है कि उन्हें स्कैन रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने का विश्राम चाहिए, जिसके चलते वह वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। ऐसे में हार्दिक पांड्या का भारतीय टीम की तरफ से वर्ल्ड कप से बाहर होना भारत के लिए बड़ा झटका साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या आने वाले मैच में भारतीय टीम के साथ जुड़ पाएंगे या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।